एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री को कहता है, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं आपसे 7 गुनी आयु का था उस समय, 3 years फ्रॉम नाउ और आपसे 3 वर्ष बाद, आई शैल बी 3 एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं आपसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। सोल्व एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों टाइप से इसको सोल्व करना। यहाँ पे हम जितने भी सम है ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर केवल दो बातें मिलेंगी, पहली बात 7 साल पहले की और दूसरी बात 3 साल बाद की। यहाँ से हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, पूरे थर्ड चैप्टर में यही काम है, दो बातें मिलेंगी, पहली बात से पहली इक्वेशन बन जाएगी और दूसरी बात से दूसरी इक्वेशन बन जाएंगी, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों टाइप से सोल्व करना है इसको। और इसमें भी क्या भी क्या है, सिचुएशन इंटरेस्टिंग है उसको भी देखेंगे। सॉल्यूशन है सबसे पहले अलजेब्रिकली, अलजेब्रिकली हम इनकी जो एज है प्रेजेंट एज उसको मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए आफ्ताब एक्स ईयर्स, एक्स साल मान लो इसकी, और प्रेजेंट एज ऑफ जो डॉटर है वो मान ली हमने वाई। ठीक है, सबसे पहले लेट कर ले, मान लेते हैं दोनों को। अब पहली बात को पढ़ रहे हैं, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी डॉटर पुत्री को कहता है कि 7 years है वो, 7 साल पहले, 7 साल पहले। अब ये प्रेजेंट में जो उसकी एक्स है 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 7, पहले कम होती है और बाद में जुड़ जाती है, तो 7 साल पहले ये एक्स माइनस 7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले इसकी आफ्ताब की आयु एक्स माइनस 7 और इसकी पुत्री की वाई माइनस 7, और क्या कह रहा है, 7 साल पहले 7 years ago आई वाज 7 times, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का होगा, तो ये जो 7 साल पहले की आफ्ताब की आयु है उसकी पुत्री की 7 साल पहले की वाई माइनस 7, इससे ये आफ्ताब की 7 साल पहले की आयु और ये उसकी पुत्री की 7 साल पहले की आयु है, ये जो आयु है इससे कितनी गुनी है, 7 गुनी है। ठीक है, यहां से पहली इक्वेशन क्लियर हो जाएगी, एक्स माइनस 7, 7 के अंदर मल्टीप्लाई 7 माइनस में 49, एक्स वाई वाले एक साइड, एक्स 7 इस साइड आ गया, माइनस 7 वाली 7 उस साइड जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस 49 में से 7 प्लस कर देंगे तो माइनस का 42, ये यहाँ पे आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब दूसरी बात पढ़ रहे हैं हम, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद प्रेजेंट एज क्या है, एक्स, और 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 3 और उसकी क्या हो जाएगी, वाई प्लस 3, तो आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद आई शैल बी 3 एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुनी है, ये आफ्ताब की आयु इससे कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, 3 साल बाद की बात करें तो दोनों में 3 ऐड कर दिया, तो आफ्ताब कह रहे हैं मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाएगा, वो जो वाई प्लस 7 थी, वाई प्लस 3 थी, ये आयु उससे 3 गुनी, एक्स प्लस 3 कौन कर रहे हैं, 3 वाई प्लस 9, एक्स माइनस 3 वाई, एक्स वाई वाले एक साइड, 3 को उस साइड ले जाएं, 9 माइनस 3 6, ये आपकी सेकेंड केस, ये अलजेब्रिकली सॉल्व हो चुका है। ग्राफिकली, ग्राफिकली के लिए क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशन है वहां से एक्स और वाई के दो दो पॉइंट निकाल जाएंगे, 9th क्लास में आपने किया भी होगा, एक हम 9th क्लास में एक इक्वेशन होती थी, यहाँ पे पेयर है तो इक्वेशन है। ठीक है, दो दो पॉइंट लेकर आ जाए, दो पॉइंट पर इक्वेशन में वो लाइन बन जाती है,
ये पहली इक्वेशन यहाँ पे है x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू -42। यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे, मान लो आपने x की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू 0, x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से इस वैल्यू रख रहे हैं हम, मान लो आपने x 7 रखा, सेवन रखा, उस साइड जाके सेवन माइनस का हो जाए, -42 और -7 -49 ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं। एक्स की जगह -7 रखा, 7y = -42, सेवन साइड जाएगा -7y इजिक्वल टू माइनस का हो जाएगा -42 -7 -49, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 इसको कैंसिल कर दिया, क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ दूसरी इक्वेशन है x -3y इजिक्वल टू 6। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम, मान लो आपने y को 0 लिया है और x को 0 ले लिया, x 0 लिया तो y क्या आ जाएगा -2। और अगर y आपने 0 लिया, y क्या ले लिया 0, तो x क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम इसके ग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहली इक्वेशन है ये जो, ये इसका ग्राफ बना रहे हैं हम, या ज्यादा ज्यादा वैल्यू एक्स और वाई की कहां करें 7 तक, 7 पहली क्वेश्चन x0, यहाँ x और y दोनों जीरो, तो x0 y 7, तो वर्टिकली चलते हैं, 6 है, 6 पे रुक जाते हैं, ये पॉइंट हो गया 0 6। दूसरा है x7 और y भी क्या 7, वर्टिकली चलेंगे और 7 पे यार रुक जाते हैं, ये 7 और 7, यहां से हम इन दोनों को मिला रहे हैं। ठीक है, ये है x -7y = -42 इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं, x0 y क्या है -2, ये नीचे -2 यार रुक जाते तो ये हो गया 0 -2। नेक्स्ट 6 0 x 6 y 0, यही रह गए, वर्टिकल चले नहीं, तो यहां से इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये है अपने x -3y = 6, तो ये अपना सोल्व हो गया ग्राफिकली, ये अलजेब्रिकली और ये ग्राफिकली है। इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 0 दे रहे हैं, x किसकी थी, उसके पिता की आयु थी x0, तो वहां पे उसकी जो पुत्री की आयु है वो उससे बड़ी आ रही है। यहाँ पे देखा दोनों की सेम ले रहे हैं, एक्स की उसके पिता की आयु 7 साल ले ली, तो उसकी पुत्री की भी 7 साल आ रही है, दोनों की आयु सेम नहीं हो सकती, इसलिए ये इंटरेस्टिंग है। है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 3 बैट्स, 3 बैट और 6 बॉल, 3 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए में, 3,900 रुपए खरीदेंगे। लेट सी बाइज लेटर, बाद में वो अनोदर बैट, एक और बैट खरीदा और 3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल खरीदी है, सेम काइंड उसी टाइप की, इतने रुपए में। सोल्व ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली इसको सोल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एल्जेब्रिकली सोल्व करते हैं इसको, मान लेते हैं, देखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट x रुपए और एक बाल की y। ठीक है, पहली क्वेश्चन में आ रहे हैं, यहाँ भी दो बातें हैं, एक तो ये 3 बैट और 6 जो बॉल है वे इतने
इतने में खरीदी है और दूसरी ये है एक बैट और तीन बॉल है वे इतने में खरीदी। तो यहाँ भी दो इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन यहाँ से बनी, एक बैट की कीमत एक्स रुपये, तीन की क्या हो जाएगी तीन एक्स, प्लस एक बॉल की कीमत वाई, छ की कितनी हो जाएगी छ वाई, दोनों को ऐड किया, दोनों इकट्ठे कितने के मिले हैं 3900। ये पहली इक्वेशन। सेकंड, यहां पे एक बैट और लिया, एक बैट की कीमत x प्लस तीन बॉल की कीमत एक की y, तीन की तीन y, दोनों को ऐड किया, दोनों ऐड किया, दोनों की इकट्ठी कीमत कितनी है 1300। ये एल्जेब्रिकली। अब ग्राफिकली, ग्राफिकली के लिए ये हमें दो पॉइंट निकाल कर लिया है, तो वही कर रहे ये यहां पे है 3x + 6y = 2। और ये है यहाँ पे x + 3y = 2। यहां से अगर आप इसको ये कट रहा है तो काट सकते हो, सिंपल कर सकते हो, अगर कोई इक्वेशन कट रही है तो उसको सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, यहां से तो दो पॉइंट निकाल के जाते हैं, ये x ये y, हमने x चलो 100 लिया, x क्या लिया 100, तो x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 1300 में से 100 माइनस हो जाएगा 1200 रह जाएगा, और 2 उस 1200 को काट देगा कितना आ जाएगा 600। ठीक, दोबारा कर रहे हैं हम x की फिर कोई वैल्यू ले, तो x को हमें 300 ले, 300 लिया, 300 उस साइड जाके माइनस 1300 में से 300 माइनस 1000, फिर ये 2 उस 1000 को काट देगा उस साइड जाके 500। इसके भी ले रहे हैं x y यहाँ पे, चलो तो x आपने दे दिया, हम सिचुएशन के अनुसार दे रहे हैं, x लिया आपने 100 लिया, 100 उस साइड जाके 1300 में से 100 1200 और 3 1200 को काट रहा है 400 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा ले रहे हैं, मान लो x आपने 400, हम इस टाइप के ले रहे हैं, ये इसको ये काट दे, यहाँ पे देखो यहाँ x आपने 400 लिया, 400 को उस साइड ले गए प्लस उस साइड जाके माइनस 1300 में से 400 900, अब 3 मल्टीप्लाई साइड जाके 300, तो ये क्या आ गया अपना 300। तो इस टाइप आपने रख के देख लेंगे, अब हम इसके बराबर बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन के अनुसार आप अपना स्केल बना सकते हो, यहाँ पे आप 100 की टेबल ले सकते हो, ज्यादा है ज्यादा हम 600 तक गए, ठीक है। सबसे पहले ये इक्वेशन बना रहे x 100, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस पे ये 100 है और y कितना वर्टिकली 600, तो ऐसे वर्टिकली ग्राफ में मिलेंगे ये लाइन और ये 600 के पास हो जाए, ये हो गया 100। अगला है 300 और 500, x 300 ये है और वर्टिकली ऊपर कितना चलना है y 500, तो ऐसे चलेंगे पांच, ये 500, ये 300 और 500, दोनों को मिला लेते हैं, लाइन बन गई। दूसरा है इसकी इक्वेशन
100 और वाई 400, यहां से कटेगा और ये, ठीक है। और ये अगला पॉइंट है 400 300, एक्स 400 और वाई वर्टिकली कितना है 300, ये दोनों की इक्वेशन हो गई। ये नीचे इक्वेशन है x plus 3y equal to, और ये है x plus 2y equal to। पॉइंट आपने याद नहीं करने, पॉइंट आप अपनी मर्जी से जो ले सकते हो, लेकिन पॉइंट से ठीक हो उस साइड जाके माइनस हुआ है प्लस हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। देख जो भी पॉइंट लोगे आप, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, यहाँ 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 बहुत ही फाइनाइट पॉइंट, मैंने ये दो पॉइंट लिए, पॉइंट तो इनफाइनाइट है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ग्राफ किसी का गलत नहीं होगा। कभी आप ये याद करो कि सर ने ये पॉइंट लिए थे तो मैं ये ही लूंगा, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन ठीक लेने हैं। यहाँ जो वैल्यू होगी वो साइड जगह प्लस हुई या माइनस हुई है ध्यान रखना, तो वाई की वैल्यू आती है तो ग्राफ उसी जगह से जाएगा, लाइन उसी जगह से जाएगी जिस जगह से मेरी गई, ठीक है।